Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Scholar Physics with Adil Muhammad. कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? ओके, आज हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट साइंटिफिक नोटेशन इज? सो एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेसिंग स्मॉल नंबर और वेरी लार्ज नंबर एंड डेसिमल फॉर्म. जब हम स्मॉल नंबर्स को या बड़े नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं. इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला जो है वो है n इक्वल टू m इनटू 10 पावर n, वेयर n इज द नंबर एंड m इज मैट्रिसा एंड n इज द पावर ऑफ 10 और वी कॉल इट एक्सपोनेंट ऑफ 10. ओके, एग्जांपल लेते हैं. लेकिन एग्जांपल से लेने से पहले साइंटिफिक नोटेशन को हम क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम कोई नंबर लेते हैं, चाहे वो लार्जर नंबर हो या स्मॉल नंबर हो, तो उसको लिखना, उसको याद करना इतना मुश्किल होता है. अगर आप उसको लिखती भी हैं या याद भी करते हो, तब भी जो है शायद आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है. सो उसके लिए एक आसान तरीका है उस नंबर को लिखने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन, या उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मून का हम मास लेते हैं. सो मून का मास इतना ही है, बड़ा नंबर है, ठीक है. अब अगर आपको याद भी हो, आप याद भी किया है, तब भी शायद आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे ज्यादा जीरो लग जाए या जो है आप कम लगाए, ठीक है, तो आपका सारा सवाल बता जाएगा. तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि आपने ये जीरो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके लिए जो स्टेप्स है, लेकिन इधर आपने इस पॉइंट को, क्योंकि डेसिमल इधर है, पॉइंट इधर है, आपने पॉइंट किधर लेके जाना है, आपने पॉइंट को लास्ट में नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके जाना है, ठीक है. सो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो आपने पॉइंट इधर से इधर लेके आना है. आप इसको काउंट कर लो कि कितने बनते हैं, आप ये काउंट कर लो, ये 22 बनते हैं इधर तक, ठीक है. सो मास क्या बन जाएगा? मास ऑफ मून 7 इक्वल टू 10^24 किलोग्राम, ठीक है. सो ये एक आसान एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. इसी तरह सिमिलरली आप एटम की साइज को या किसी और चीज को भी लिख सकते हो. स्मॉल होगी तो एक लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास हो गया. डायमीटर हम फाइंड करते हैं एटम का, डायमीटर ऑफ एटम, ठीक है. सो वो है 0.1234567891011121314, ठीक है. सो ये कहते हैं इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह लिखेंगे कि लास्ट में वन नॉन जीरो डिजिट आ जाए, ठीक है. इधर ये हम इधर लिखेंगे, सॉरी इस तरह, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है. तो आपने पॉइंट किधर लेके आना है? आपने पॉइंट इधर से इधर लेके आना है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट होगा डेसिमल पॉइंट, ये आपने लास्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लिखना होगा, ठीक है. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट विल बिकम d इक्वल टू d में डायमीटर 1 इनटू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर. सो इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म मुश्किल इस तरह होता है, ठीक है. सो ये इंतहाई अहम टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. आप इसको सही तरीके से याद कर लो और भी आप लोग अपने तौर से कुछ असाइनमेंट इस पर कर लो कि आप लोगों को फिर मसला ना हो, ठीक है. ओके, थैंक यू.